फ्रेंड इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे डीसी मशीन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि जेबी गुप्ता की बुक से लिया गया है। तो आप प्लीज वीडियो में पूरा बने रहो, आप वीडियो को बहुत एंजॉय करोगे। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का, और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग, आर्मेचर हैविंग जेट कंडक्टर, ईच कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मीटर्स, एक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मीटर स्क्वायर, रिस्पेक्ट रेजिस्टिविटी रो एंड पी पोल्स विल बी। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर एक लैप वाइंडिंग है जिसका लेंथ कितना है एल है और उसकी रेजिस्टिविटी रो है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और पोल क्या है पी है, तो उसका रेजिस्टेंस आप बताओ क्या होगा। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल रेजिस्टेंस की हम बात करें तो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस आपके पास क्या होता है, रो एल बाई ए। एक नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, जिसमें एल क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए आपका एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड रो रेजिस्टिविटी है जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें आपसे क्या पूछ लिया है कि लैप वाइंडिंग में, तो लैप वाइंडिंग के केस में कि आपके पास जो पैरेलल पाथ होते हैं, पैरेलल पाथ वह आपके होते हैं पोल्स के बराबर, यानी कि जितने पोल्स होंगे उतने पैरेलल पाथ होंगे। बस चीज को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी बराबर ए होगा अगर कितने कंडक्टर आपके सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आपसे ये पूछे तो कैसे बताओगे कि नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज कनेक्टेड कंडक्टर अगर आपको पता करना हो, सपोज आपने मान लिया कि आपके पास कंडक्टर कितने हैं, जेड है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको दे दिया था कंडक्टर कितने हैं जेड है, तो कंडक्टर अगर जेड है तो कितने कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पोल से या फिर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से। तो नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज जेड बाई ए इन पैरेलल, यानी कि इतने पाथ होंगे जो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे और उसके बाद जो कंडक्टर होंगे वह किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, वह किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में। तो अगर ये तो मतलब पैरेलल पाथ आपका निकल गया कि जितने मतलब आपको मिलेंगे उतने पैरेलल पाथ होंगे। अगर पैरेलल पाथ का रेजिस्टेंस आपको बताना हो, पैरेलल पाथ रेजिस्टेंस अगर आपको बताना हो तो आर बराबर होगा रो एल बाई, चलिए एक एक को हमने क्या मान लिया, स्मॉल मान लिया है, ये जो एरिया है स्मॉल है, इनटू जेड बाई ए होगा। क्या होगा, जेड बाई ए हो जाएगा। क्लियर है एकदम, इस चीज को आप ध्यान से समझो कि रो एल बाई ये तो आपका रेजिस्टेंस था ही, पहले रेजिस्टेंस था ही, लेकिन जेड बाई ये क्या हो गया कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के कारण जेड बाई ए भी आके इसमें मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब पैरेलल पाथ आपको पता है ए है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्योंकि आपको यही बताना है आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए बराबर आर अपान ए, यानी कि जितने पैरेलल पाथ हैं उतने ही आपके आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम मतलब पाथ से मतलब पैरेलल पाथ से डिवाइड कर देंगे। तो जब इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो आर का मान आपको दिया है रो एल बाई ए इंटू जेड बाई ए अपान ए, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो रो एल इंटू जेड अपान ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें आर ए, तो आपको पता है कि ए क्या होता है पी के बराबर होता है लैप वाइंडिंग में, लैप वाइंडिंग में ए क्या होगा पी के बराबर होता है, तो आर ए बराबर आपका हो जाएगा रो एल इंटू जेड अपॉन ए पी स्क्वायर, आपका यही क्या होगा आंसर होगा और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज डैश द नंबर ऑफ पोल्स, यानी अगर बात करें एक लैप वाइंडिंग बोला है आपसे। ठीक है, लैप वाइंडिंग का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए मैंने इसकी वीडियोस भी मान लो आपको बनाया है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का, अगर आप नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन वहां से क्लियर हो जाएगी। तो इसमें क्या कहा है कि एक लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग में ब्रशेस यानी नंबर ऑफ ब्रशेस बराबर होते हैं
नंबर ऑफ पोल्स के, नंबर ऑफ पोल्स के, और जो नंबर ऑफ पोल्स होता है वह बराबर होता है पैरेलल पाथ के, किसके बराबर होता है पैरेलल पाथ के। तो जितने पैरेलल पाथ होते हैं ना उतने ही आपके पास क्या होते हैं ब्रश होते हैं, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज पता होनी चाहिए कि पैरेलल पाथ कितने हैं। तो जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे ब्रशेस होंगे। लेकिन अगर अगर यहीं पे वेव वाइंडिंग की बात कर दी जाती है, किसकी वेव वाइंडिंग की, तो वेव वाइंडिंग में क्या है कि जनरली इसमें पैरेलल पाथ कितने हैं दो, तो ब्रशेस की नीड कितनी होगी दो नीड होगी, क्योंकि जितने पैरेलल पाथ बनेंगे उतने ही तो ब्रश आप लगाओगे, ठीक है। तो इसलिए लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होता है वह नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है और जो ब्रशेस होते हैं वह नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होते हैं। इसलिए हम ज्यादा प्रीफर करते हैं कि नंबर ऑफ ब्रशेस जो होगा वह किसके बराबर होगा नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। लेकिन वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं है, आपका पोल्स चाहे जितने लगे हो लेकिन नंबर ऑफ ब्रशेस अगर आपसे पूछे तो कितना होगा हमेशा दो होगा। आपको हमेशा याद रख लेना है कि वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस कितने होंगे तो टू ब्रशेस होंगे, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है ए पी पोल लैप वाउंड डीसी मशीन हैड एन आर्मेचर करंट आईए, द कंडक्टर करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग इज, तो कंडक्टर करंट आपसे पूछा आर्मेचर वाइंडिंग में। अब देखिए जो आर्मेचर करंट है वो आपको आईए दिया हुआ है, अब आपसे पूछ रहा है कंडक्टर करंट, कंडक्टर करंट, अब कंडक्टर आपके कितने लगे हैं, ठीक है। तो यह चीज आपका डिपेंड करता है उसके पैरेलल पाथ पर या फिर उसके नंबर ऑफ पोल्स पर, उस मशीन के पर्टिकुलर मशीन के नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स अगर पी है तो उतने ही पैरेलल पाथ होंगे और उतने ही पाथ में आपकी करंट डिवाइड होगी, यानी आर्मेचर करंट जो थी वह उसी पाथ में क्या होगी डिवाइड होगी। तो इसका जो आर्मेचर करंट की बात करेंगे तो वह आईए अपान पी होगा, आईए अपान पी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे यह किसके लिए अरेंजमेंट है, यह है आपकी लैप वाइंडिंग के लिए, किसके लिए है लैप वाइंडिंग के लिए है। लेकिन अगर वेव वाइंडिंग की बात होती तो वेव वाइंडिंग आपका जनरली उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं दो होते हैं, तो आप कितने भी उसमें पोल्स यूज कर लो कितने भी ब्रशेस यूज कर लो लेकिन उसमें पैरेलल पाथ हमेशा दो होगा, यानी जो आर्मेचर करंट होगी वह हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो अगर इसमें आर्मेचर करंट पूछता तो आइए अपान टू आंसर देते आप, आइए अपान टू आंसर देते, और यहां पे पूछा तो आइए अपान पी या फिर आइए अपान ए भी आंसर कर सकते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप ऑप्शन देख लो कौन सा आपका दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दो, ठीक है। तो एक आइए है तो गलत है, आइए अपान पी यही क्या है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये लैप वाउंड डीसी मशीन हैज 400 कंडक्टर एंड 8 पोल्स, द वोल्टेज इंड्यूस्ड पर कंडक्टर इज 2 वोल्ट, द मशीन जनरेट्स ए वोल्टेज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक 4 पोल लैप वाइंडिंग है, एक लैप वाइंडिंग डीसी मशीन है, ठीक, जिसका जिसमें कंडक्टर कितने यूज किए गए हैं, कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर आपका यूज किया गया है 4, यानी Z का मान कितना दिया है 400, ठीक। अब उसके बाद अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं 8 हैं, एंड एक कंडक्टर, बेसिकली एक कंडक्टर जो है बराबर 2 वोल्ट जनरेट कर रहा है, एक कंडक्टर के लिए एक कंडक्टर कितना वोल्ट जनरेट कर रहा है 2 वोल्ट, तो आर्मेचर कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगर बात करें तो 400 कंडक्टर आपके हैं, 400 कंडक्टर जो होंगे डिवाइड होंगे 8 पार्ट में, क्योंकि पोल्स हैं 8, तो पैरेलल पाथ भी कितने होंगे 8 होंगे, पैरेलल पाथ कितने होंगे 8 होंगे, तो पैरेलल पाथ 8 हैं, तो टोटल कंडक्टर आपके पास 400 है, तो 400 कंडक्टर को अगर हम 8 पार्ट में डिवाइड करें तो आपके पास यानी कि कंडक्टर निकलेगा, जो कंडक्टर निकलेगा एक पैरेलल पाथ का वह होगा 400/8, यानी कि 50 कंडक्टर पर पाथ, यानी एक पाथ में कितने कंडक्टर होंगे 50, अगर एक पाथ में 50 कंडक्टर हैं तो आप 50 मतलब कि 8 अरेंजमेंट ऐसे बनाओगे, ठीक है, 8 अरेंजमेंट आप ऐसे बनाओगे कि कंडक्टर को आपने अटैच किया है, तो
इस वाले पार्टिकुलर सेक्शन में या फिर इस वाले पार्टिकुलर सेक्शन में जितना वोल्टेज होगा वह टोटल वोल्टेज सबके सेक्शन पर होगा, क्योंकि आपका डिवाइड हुआ है 50-50 कंडक्टर का, तो 50 कंडक्टर सब में है तो वोल्टेज सब में सेम ही डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वह पर कंडक्टर 2 वोल्ट है, यानी एक कंडक्टर कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है, 2 वोल्ट डेवलप कर रहा है। तो 50 कंडक्टर कितना वोल्टेज डेवलप करेगा, एक कंडक्टर 2 वोल्ट, देन 50 कंडक्टर डेवलप 50 × 2 यानी कि 100 वोल्ट कितना डेवलप करेगा, 100 वोल्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में गलती क्या हो सकती थी, गलती ये हो सकती थी कि कंडक्टर आपके 400 दिए हैं, ठीक है, अगर मान लो आपको पता नहीं है तो कंडक्टर 400 दिए हैं और एक कंडक्टर कितना वोल्टेज डेवलप कर रहा है 2, तो तुरंत मल्टीप्लाई करो, बस मार दोगे आ जाएगा कितना 800, और 800 आपके ऑप्शन में था, आपके ऑप्शन में था। अब गलती कर जाती है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 पोल जनरेटर विथ इन 16 कॉइल्स यानी 16 कंडक्टर हैज ए 2 लेयर लैप वाइंडिंग, इसमें लेयर कितनी है, 2 लेयर है, लेयर कितनी, 2 लेयर, द पोल्स पिच, पोल पिच आपसे पूछा है, तो पोल पिच भी मैंने बताया था, पोल पिच बराबर क्या होता है, पोल पिच भी हमने दिखाया है, पढ़ाया है, ठीक है, पोल पिच बराबर Z/P होता है, कितना होता है, Z/P। अब बात करें तो क्वाइल्स आपके पास कितनी है, 16 क्वाइल्स, 16 है तो इसका मतलब कंडक्टर कितने हैं, 16 है, अगर कंडक्टर 16 है तो 16 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपके पास आएगा 4, तो आंसर आप कहोगे कि 4 होगा, ठीक है, गलती क्या कर सकते हो आप, ध्यान से समझो, आप कहोगे 4 है जो कि गलत है, क्या है, गलत है। अब क्यों गलत है, देखो क्योंकि यहां पे 2 लेयर बोला है, आपको अगर नहीं पता है तो एक लेयर में 16 कॉइल्स, देखो ये 4 पोल जनरेटर विद 16 कॉइल्स है जो 2 लेयर, अगर लेयर 2 है तो कंडक्टर भी आपके क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टर अगर डबल हो जाएगा तो आपका वोल्टेज भी मतलब कि डबल हो जाएगा, या फिर आप कहो तो पोल पिच भी डबल हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए Z/P होता है, ये तो हमें पता है, बट Z कितना है हमारा, यही कंफर्म नहीं था, Z आप देखोगे 16 था लेकिन 16 नहीं है, Z हमारा कितना है, 32 है, अपॉन 4 तो 8, आपका आंसर कितना आएगा, 8 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गलती बनने के चांस ये थे कि 16 क्वाइल्स देखे तो आपको लगा कि 16 कंडक्टर होंगे, 16 कंडक्टर को आपने तुरंत डिवाइड कर दिया 4 से कि 4 पाथ बनेंगे, लैप वाइंडिंग है इसलिए 4 पाथ बने, तो 4 आपका आंसर में भी था, तो ये क्या हो सकता था, गलत हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में गलत हो जाते हैं, तो आपको केयर करना है, हर एक क्वेश्चन को होल्ड करना है, थोड़ा टाइम में पढ़ना है, 1 सेकंड के बदले 2 सेकंड दो, लेकिन क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 वोल्ट होगा। चलिए अगर बात करें वेल्डिंग जनरेटर की, तो वेल्डिंग जनरेटर क्या है, सबसे पहली चीज वेल्डिंग जनरेटर, तो वेल्डिंग जनरेटर आपका जो होता है वह डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, कौन सा होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कौन सा होता है, तो एक वेल्डिंग जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेल्डिंग जनरेटर किस मतलब कि किसका पाठ या किसका एग्जाम्पल है, तो वह है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का एग्जाम्पल, ये चीज आपको याद कर लेनी है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या फिर वेल्डिंग जनरेटर जो होता है यह हाई करंट, इसमें जो करंट की नीड होती है वह हाई करंट एंड लो वोल्टेज की नीड होती है, ठीक है, हाई करंट और लो वोल्टेज की नीड होती है, तो हाई करंट की नीड इसलिए है क्योंकि यह वेल्डिंग के पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, वेल्डिंग में आपको आउटपुट कैसा चाहिए, हमेशा हाई चाहिए, यानी लोड उस पर ज्यादा रहता है, लोड क्या रहेगा, हाई रहेगा, लोड हाई होने का मतलब है कि करंट हाई होना, लोड का हाई होना मतलब क्या, करंट का हाई होना, ठीक है, तो इसको जनरली यह हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए होता है, अगर यह ऐसा अरेंजमेंट है तो यह किसमें पॉसिबल है, यह पॉसिबल है लैप वाइंडिंग में, यह अरेंजमेंट किसमें पॉसिबल है, लैप वाइंडिंग में, क्योंकि हमें पता है लैप वाइंडिंग जो यूज होती है वह हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज होती है, लेकिन अगर वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग आपकी हाई वोल्टेज
एंड लो करंट के लिए यूज होती है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज होती है। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वह था 56 का ए, ठीक है, कि यह लैप वाइंडिंग होगी। चलिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके पास है, इफ इन ए 6 पोल लैप वाउंड डीसी मशीन द एयर गैप अंडर ईच पोल इज नॉट द सेम, दिस इज लाइकली टू रिजल्ट इन। अब देखिए अगर लैप वाइंडिंग है, बात क्वेश्चन में क्या कह दिया है, लैप वाइंडिंग 6 पोल की लैप वाइंडिंग है, और जो मतलब पोल्स हैं उस पोल्स में आपके जो फ्लक्स हैं वह सेम नहीं है। जैसे एक पोल्स आपका ए है, एन पोल हो गया मान लो, एक पोल ए है आपका, यस पोल हो गया, एक पोल आपका ये है, ये भी एन पोल होगा, और ये क्या होगा, ये भी आपका यस पोल, यानी सामने सामने वाला यस पोल, और हमने जो ले लिया वैसे एक पोल के बाद ये पोल जो होते हैं अल्टरनेट होते रहते हैं। अब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि यहाँ पे फ्लक्स कुछ अलग है और यहाँ का जो फ्लक्स है कुछ अलग है, यानी कि फाई एन जो था वह इक्वल टू नहीं है फाई यस के, यानी नॉर्थ पोल का जो फ्लक्स था वह साउथ पोल के फ्लक्स के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब पैरेलल पाथ आपके पास कितने हैं, पोल्स कितने हैं, पोल्स कहोगे कि 6 हैं, अगर पोल्स 6 हैं तो पैरेलल पाथ कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अगर पैरेलल पाथ 6 बनेंगे तो हर एक पैरेलल पाथ में जो फ्लक्स होगा वह क्या होगा, डिफरेंट होगा। फ्लक्स क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया कि फ्लक्स क्या है, डिफरेंट है। अगर फ्लक्स डिफरेंट है, ध्यान समझो, फ्लक्स डिफरेंट है तो हर एक पाथ में जो करंट वैसे तो इक्वल पर फ्लो होती है, आर्मेचर करंट से जो निकलेगी तो जो जितने पैरेलल पाथ होंगे सब में करंट जो होती थी इक्वल होती थी, लेकिन अगर फाई डिफरेंट हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, करंट भी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि करंट जो थी डिपेंड कर रही थी किस पर, फ्लक्स पर। तो फ्लक्स आपका अगर डिफरेंट हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि अनइक्वल करंट इन पैरेलल पाथ, यानी पैरेलल पाथ में जो करंट होगी क्या होगी, अनइक्वल होगी। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फॉर ए 4 पोल ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स क्या है, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होता है, पैरेलल पाथ ए वह बराबर होता है पी के, लेकिन जब भी ड्यूप्लेक्स की बात होगी तो 2P होगा। अगर सिंप्लेक्स होता है तो ए बराबर पी होता है सिंप्लेक्स के लिए, ड्यूप्लेक्स के लिए ए बराबर 2P होता है, अगर थ्रीप्लेक्स है तो उसके लिए 3P होता है। तो ड्यूप्लेक्स है तो 2 × पोल्स कितने हैं आपके पास, पोल्स आपके पास 4 हैं तो कितने कंडक्टर हो जाएंगे, 8 कंडक्टर, या फिर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने बन गए, 8 कंप्लीट हो गए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आपको याद रहे जो 2 लेयर के हिसाब से देखें तो कंडक्टर आपका दुगना हो जाएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से पैरेलल पाथ आपका कम हो जाएगा, सॉरी पैरेलल पाथ आपका ZY, हाँ ठीक है, पोल पिच आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पोल पिच क्या होती है, ZY P होती है। तो जितना ज्यादा आप P बढ़ाओगे यानी पैरेलल पाथ बढ़ाओगे उतना ही पोल पिच क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइल्स फॉर 400 वोल्ट 6 पोल लैप कनेक्टेड डीसी मशीन फॉर ए मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट बिटवीन एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट शुड बी। तो क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइल्स की नीड कितनी होगी जब आपके पास 400 वोल्ट 6 पोल लैप कनेक्टेड डीसी मशीन है और मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट बिटवीन एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट शुड बी, यानी जो कम्यूटेटर सेगमेंट है उनके बीच में मैक्सिमम कितना वोल्टेज हो सकता है, 15 वोल्ट, लेकिन आपके पास टोटल वोल्टेज कितना है, अगर टोटल वोल्टेज की बात करें तो 400 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट, अगर टोटल वोल्टेज 400 वोल्ट है तो कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक कितने होंगे, 400 अपान 15 होगा, यानी इतने वोल्टेज आपके या फिर कंडक्टर या फिर नंबर ऑफ कॉइल्स कनेक्ट होंगी सीरीज में जिनका वोल्टेज होगा, तो 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 15 से हम डिवाइड करें तो 15 × 30 फिर बचेगा 100, तो 15 × 26 मान लो, चलो
कितना आ गया, 26 आ गया आपका, 26.6। ठीक है, तो कितने वोल्टेज आपका होगा, लगभग 26 मान लेते हैं, चलो हमने 27 मान लिया, अगर इससे बड़ा है तो हमारे पास कितना आ गया, 27 वोल्ट आ जाएगा या 26 वोल्ट आप मान के चलो। अब मिनिमम कॉइल्स रिक्वायर्ड की अगर बात करें, मिनिमम कॉइल्स रिक्वायर्ड यही पूछा है आपसे, तो मिनिमम कॉइल्स रिक्वायर्ड जो होगी, नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्ट इन सीरीज मल्टीप्लाई बाई पोल्स या पैरेलल पाथ। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा। अब आपको 26 मिला है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यही तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 6 36, 6 दुनी 12 3 12 3 15, 156 कंडक्टर की नीड्स होगी, यानी मिनिमम नंबर ऑफ क्वाइल्स रिक्वायर्ड कितना होगा, 156। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें 80 दिया है, 160 दिया है, 200 दिया है और 400 दिया है, लेकिन आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट हमने 26 लिया था, क्वेश्चन में हो सकता 27 लिया हो, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 26 पॉइंट कुछ होगा, और उसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 160 वोल्ट आएगा। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो विड्थ ऑफ कार्बन ब्रश शुड बी इक्वल टू, जो कार्बन ब्रश की विड्थ होती है वह कितनी होती है, तो इम्पोर्टेंट है, ज्यादा वो नहीं, ये आपको याद होना चाहिए, क्या है, विड्थ ऑफ 2 to 3 कम्यूटेटर सेगमेंट्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा, यानी 2 से 3 कम्यूटेटर सेगमेंट के बाद हम एक क्या लगता है आपका कार्बन, यानी कार्बन ब्रश की नीड होती है, उसकी इतनी विड्थ होती है। ठीक है, यानी 2 से 3 कम्यूटेटर सेगमेंट की जितनी विड्थ होती है कार्बन ब्रश उतने के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ए ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग विथ इक्वलाइजर एंड इवन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पोल्स इज, ठीक है, तो देखिए ये ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग की अगर बात करें, तो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग आपकी क्या है, लैप वाइंडिंग है, तो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग का मतलब हो गया कि ये बराबर 2p, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज डबली री इंटर्ड एंड नंबर ऑफ कॉइल्स पर पेयर ऑफ पोल्स, तो सबसे पहले ए बराबर 2p हो जाएगा ना, सेकंड में देखें डबली री इंटर एंड नंबर ऑफ कॉइल्स पर पेयर ऑफ पोल्स इन एन इवन इंटीजर इन एन ओड इंटीजर, कंसेप्ट ध्यान से यहीं से समझो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा, ये ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग विथ इक्वलाइजर एंड इवन नंबर ऑफ पेयर्स पोल्स इज, इवन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पोल्स हैं अगर आपके पास तो आपको पोल्स इन एन ओड इंटीजर, तो फिर कैसा लेना पड़ेगा, ओड इंटीजर लेना पड़ेगा, यानी एक विषम संख्या लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर यहीं पे ओड नंबर्स ऑफ पेयर होते हैं तो आपको कैसा लेना पड़ता, आपको लेना पड़ता यहाँ पे फिर इवन, तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ध्यान से समझना कि जब भी आपसे इवन पूछे तो यहाँ पे आपको ओड लेना है, जब भी आपको यहाँ पे ओड पूछे तो आपको क्या लेना है, इवन लेना है, तो आपसे ये पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो वेव वाइंडिंग इज कम्पोज्ड ऑफ, वेव वाइंडिंग क्या कंपोज्ड करती, एनी ओड नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एनी इवन नंबर ऑफ कंडक्टर्स, दैट इवन नंबर विच इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पोल्स प्लस माइनस 2। तो आपने देखा होगा कि एक एवरेज पिच या फिर कम्यूटेटर पिच की अगर हम बात करेंगे, तो कम्यूटेटर पिच आपकी जो होती है वह जेड प्लस माइनस 2/p होती है, एक वेव वाइंडिंग के लिए, किसके लिए, वेव वाइंडिंग के लिए, तो वेव वाइंडिंग के लिए, क्योंकि मैंने वेव वाइंडिंग में इसको बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, तो आप वीडियो देख लेना आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जेड प्लस माइनस 2 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, दैट इवन नंबर विच इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पोल्स प्लस माइनस टू, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें, फॉर ए 4-pole मशीन वेव वाइंडिंग इज इम्पॉसिबल विद द आर्मेचर कंडक्टर्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4-pole का मशीन है और वेव वाइंडिंग इम्पॉसिबल है बनाने के लिए, तो देखिए क्यों बनाने के लिए इम्पॉसिबल, कैसे हो सकती है, अगर हम बात करें कि YA या फिर आर्मेचर पिच, ठीक है, या एवरेज पिच अगर हम निकालें, तो एवरेज पिच आपकी क्या होती है, जेड प्लस माइनस 2/p होती है, और इसमें p कितना दिया है, 4-pole दिया है, तो जेड, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो 30 प्लस 2 करें पहले अपान 4, तो डिवाइड हो जाएगा, 8 आएगा या तो 7 आएगा।
ठीक है, एवरेज पिच जो आपकी निकलेगी 8 निकलेगी या तो 7 निकलेगी। अगर ये रख दें बी ऑप्शन 32 प्लस माइनस 2 अपान 4, इसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, ये गलत हो गया ये अरेंजमेंट। अगर 34 प्लस माइनस 2 अपान 4 करें, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी लें, तो यह भी आपका 9 होगा या तो 8 होगा। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 38 प्लस माइनस 2 अपान 4, इसकी बात करें तो 10 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, तो सब में देखिए जितने भी ऑप्शन इसमें थे सब ऑप्शन में ध्यान से देखिए, तो ये जो 4 पोल है यानी 34 है तब भी आपका हो रहा है, ये 38 है तब भी आपका सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन जो 32 है उस पर आप एवरेज पिच नहीं निकाल पा रहे हो। तो जब आप एवरेज पिच नहीं निकाल पा रहे हो तो जो वेव वाइंडिंग होगी वह इम्पॉसिबल होगी इसके संग बनाना, क्योंकि आप इसमें एवरेज पिच फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो। जब आप एवरेज पिच नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो यह इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा इसके संग बनाना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए डीसी मशीन फॉर सेम वैल्यू ऑफ फाई जेड एंड एन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन इसका है आर्मेचर ईएमएफ इज मोर विथ वेव वाइंडिंग देन विथ लैप वाइंडिंग, आर्मेचर ईएमएफ इज लेस विथ वेव वाइंडिंग देन विथ लैप वाइंडिंग। जबकि हमने आपको पहले भी बता रखा है, अगर बात करें तो पहले भी हमने जानते हैं कि वेव वाइंडिंग में जो वोल्टेज डेवलप होता है वह हाई होता है, वोल्टेज क्या होता है हाई, एंड लैप में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है लो होता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ फाई जेड एंड एन, यानी क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि फाई जेड एंड एन को सेम रखा गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स की कोई बात नहीं की गई है, नंबर ऑफ पोल्स की कोई बात की गई है, कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है। जब नंबर ऑफ पोल्स की कोई बात नहीं की गई है तो इसका मतलब कि जब पोल ज्यादा होगा तो वेव वाइंडिंग में वोल्टेज तब भी ज्यादा होगा, चाहे पोल्स बराबर भी होंगे तब भी लैप वाइंडिंग में पोल्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है पी फाई जेड एन अपान 60 ए होता है, ए की जगह आप क्या रख दोगे पी, तो पी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जबकि वेव वाइंडिंग में ए बराबर तो 2 होता है तो वहां पे पी नहीं कैंसिल आउट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द डमी क्वाइल्स इन अ डीसी मशीन आर यूजफुल टू, हम डमी क्वाइल को किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो देखिए डमी क्वाइल, ठीक, तो डमी क्वाइल जो होती है बेसिकली ये बहुत बार पूछा गया, तो इसका जो आंसर होता है वो आंसर होता है मेंटेन मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर, ठीक है, मेंटेन मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर। तो देखिए कैसे क्या होती है डमी क्वाइल, तो डमी क्वाइल की अगर बात करें थोड़ी सी डमी क्वाइल की, तो डमी क्वाइल की अगर हम बात करें तो डमी क्वाइल का क्या काम है कि जैसे मान लो आपका ये आर्मेचर है, ठीक, ये आर्मेचर के स्लॉट है, ठीक, इसमें कंडक्टर को पुट किया गया है, ठीक है, कंडक्टर को पुट किया गया है, लेकिन कहीं पे आपको मान लो नीड है कि कहीं पे आपका कनेक्शन खत्म हो गया, कंडक्टर वहां पे कम पड़ गया, यानी आर्मेचर कंडक्टर की नीड नहीं है, जितना वोल्टेज आपको डेवलप करना था उतना वोल्टेज आपने डेवलप कर लिया है, लेकिन फिर भी वह कंडक्टर जो था इस वाले स्लॉट में वह कंडक्टर आपका फ्री होगा, यानी कि जैसे अगर आप जितना नंबर ऑफ कंडक्टर इसमें फिल कर दोगे तो वह क्या होते हैं, टाइट हो जाते हैं, जिससे जब भी मशीन रोटेट करती है तो यह कंडक्टर नहीं घूमते, ठीक है, कंडक्टर आपके क्या है मशीन के संग घूमते हैं लेकिन कंडक्टर खुद उस एरिया में नहीं रोटेट करते हैं। तो इसके मैकेनिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए हम लोग कौन सी क्वाइल यूज करते हैं, डमी क्वाइल यूज करते हैं। अगर बात करें तो डमी क्वाइल, जैसे आर्मेचर में हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देते हैं, आर्मेचर में क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहता है, लेकिन डमी क्वाइल में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। यह बेसिकली क्या करती है, आर्मेचर कंडक्टर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यह हमेशा वाइंडिंग क्या रहती है, रेस्ट पर रहती है, इसको किसी भी हम जोड़ते नहीं है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।